जब तक टाइगर मरा नहीं तब तक टाइगर हारा नहीं। हेलो एवरीवन, फिल्मी क्रेजिस में आपका स्वागत है। मैं आपका होस्ट फिल्मी सिकंदर। दोस्तों, अभी तक आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो फटाफट आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बेल आइकन की घंटी है उसको भी प्रेस करना, ताकि हमारी हर वीडियो हर अपडेट आप तक पहुँच जाए। दोस्तों, तो चलिए बातें करेंगे हम टाइगर 3 से। जी हाँ दोस्तों, एक बहुत बड़ा ही खबर आई है सुबह सुबह। मतलब कि क्या ही बोलूँ यार, ये जो खबर आई है ना भाई, सुन के ना, मैं जब एक खबर पढ़ रहा था ना मेरे भाई, तो यार पढ़ते पढ़ते ना मेरे गूज़बम्स खड़े हो रहे थे। लिटरली बोल रहा हूँ, मतलब कि खबर ही ऐसी थी। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं कबीर भाई अपने और मूवी के, ऋतिक रोशन एजा कबीर, जिसकी एंट्री होने वाली है टाइगर 3 में। लगाना जोर का झटका धीरे से। जी हाँ दोस्तों, अरे यार इमेजिन करो कि क्या माहौल होएगा थिएटर का जब ऋतिक रोशन की एंट्री होगी। दोस्तों देखो यार, आदित्य चोपड़ा को सल्यूट करना चाहूँगा कि एक अलग ही इंडस्ट्रीज में एक अलग ही स्पाई बना रहे हो। मतलब कि यार, आज से 10 साल पहले कोई सोचा भी नहीं था कि आने वाले वक्त में कुछ ऐसी फिल्में बॉलीवुड भी बनाएगी। जी हाँ, हालांकि हॉलीवुड में तो बनती है, आयरन मैन बोले तो, फिर उसके बाद हल्क, फिर उसके बाद स्पाइडरमैन, मतलब कि सबको एकजुट करके उन्होंने मूवी बनाई थी दोस्तों, एंड गेम। तो यहाँ पे यार अलग लेवल वाली एक कॉन्सेप्ट बना रहे हैं आदित्य चोपड़ा, जहाँ पे यार स्पाई यूनिवर्स जिसका नाम रखा गया दोस्तों, जहाँ पे जुड़ा हुआ है एक था टाइगर, टाइगर जिंदा है, वो और पठान। अब देखो पठान की भी कैमियो है इसमें 15 से 20 मिनट, और उसके बाद ऋतिक का कैमियो तो कंफर्म हो चुका है कि ऋतिक रोशन आएंगे। अब कहाँ पे आएंगे, कौन सी सीन पे आएंगे, ये किसी को पता नहीं है। लेकिन लोग कह रहे थे, ये भी सुनने में आया कि लोगों का कहना है कि यार ये जो खबर थी अभी तक लीक नहीं होनी चाहिए थी, ये डायरेक्ट सरप्राइज मिलना चाहिए था मूवी रिलीज के वक्त। जब थिएटर में हम लोग बैठते हैं तो ऋतिक रोशन का अचानक से एंट्री होती। भाई देखो, इंडस्ट्रीज में ना कोई भी खबर फैल ही जाती है, लेकिन आई होप कि यार हम लोग उम्मीद नहीं कर सकते थे ऐसा। मतलब कि यार सल्यूट करना चाहिए आदित्य चोपड़ा की, उन्होंने ये खबर को छुपा के रखा है। रिलीज को अभी 1 हफ्ता बाकी है। अब सोचो कि 1 हफ्ता पहले ये न्यूज बाहर आई है यार। मतलब कि यार सल्यूट है कि कम से कम कुछ, आजकल के ज़माना देखो, सोशल मीडिया का ज़माना, आज कोई भी खबर ना भाई छिपती नहीं है, लेकिन इतने दिन तक छिपा के रखना बहुत बड़ी बात होती है। हालांकि जिस तरीके से ये खबर लीक हो गया ना कि ऋतिक रोशन बोले तो उनकी कैमियो है, वाई मतलब कि सुनामी आ गया है लिटरली बोल रहा हूँ। एक तो यार शाहरुख खान और सलमान खान, उसके बाद ऋतिक रोशन अपना कबीर भाई की एंट्री, ओ हो, सोने पे सुहागा भाई, सोने पे सुहागा। तो गाइज सुपर्ब न्यूज है यार, मेरे अभी से ही रोंगटे खड़े हो रहे यार, अभी से ही रोंगटे खड़े हो रहे खड़े सुन के यार। मतलब कि इमेजिन करो यार, 2 घंटा 30 मिनट की मूवी, 33 मिनट की मूवी, और यार 2 घंटा 33 मिनट यार फुल एंजॉय करने वाले हम लोग, फुल एंजॉय। मतलब कि इससे पहले लगता नहीं है मुझे कि ऐसी कोई मूवी बनी हो बॉलीवुड में यार। मतलब कि इतनी एक्साइटमेंट अंदर से पैदा कर चुकी है ना भाई, इतनी एक्साइटमेंट। और जब से ये खबर आई है ना कि ऋतिक रोशन भी है, ओ हो माई गॉड, क्या होने वाला यार थिएटर में यार। मतलब कि यार अभी से इमेजिन कर रहा हूँ मैं कि यार क्या माहौल होगा, हम लोग स्क्रीन के पास बैठे रहेंगे, उसके बाद मूवी स्टार्ट होगी, टाइटल आएगा टाइगर 3, भाई की एंट्री होगी, इमरान भाई की एंट्री होगी, ओ माय गॉड क्या होने वाला मेरे भाई। तो गाइज आप कितना एक्साइटेड हो यार, आप हमें ज़रूर कमेंट्स में बताएं, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय महाराष्ट्र।